या 07-662-35-24-51 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। एसी वाला तो नंबर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावन के आगाज हो चुका है। हम सीधी में हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी कलेक्टर हमारे साथ हैं। उनसे जाने के प्रयास करी थे कि आखिर का कुछ तैयारी हो गई, का कुछ चिन्हांकन हो गया है, का कुछ मतदातन के सुविधा की तैयारी की गई। तो सर, ये जो 17 नवंबर को मतदान हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ प्रारंभिक तैयारियां और संपूर्ण तैयारियां कर ली गई? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 17 तारीख को मतदान कराने के लिए लगभग सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। हम लोग उसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और उसी के संदर्भ में आज की चर्चा भी हम आप लोगों के साथ यहाँ पर आयोजित किए हुए हैं। मतदान दल 16 तारीख को रवाना होगा और 17 तारीख को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए लगभग सभी बिंदुओं पे, चाहे वो EVM मशीन से संबंधित हो, प्रशिक्षण हो, चाहे पोलिंग पार्टी का फॉर्मेशन हो, उनके ड्यूटी ऑर्डर हो, पुलिस फोर्सेस का कहाँ कहाँ किस प्रकार मूवमेंट रहेगा, और इन तरह तमाम छोटे बड़े बिंदुओं पे हमने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं और हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए लगभग अंतिम रूप में हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक स्थिति होती है कि थोड़ा अप्रिय स्थिति कभी बन जाती है, मतदाता परेशान होने लगता है। उस स्थिति में क्या कुछ इंतजाम आप लोगों ने किया है? एक, हमने जो व्यवस्था की है कि सभी मतदान केंद्रों पे हमने लगभग सभी खंड स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर को वहाँ पे डिस्प्ले कराया है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी बूथ पे, अगर उनको लगता है, किसी सामान्य नागरिक को, सामान्य दिनों में भी, मतदान दिवस के दिन तो खैर अतिरिक्त निगरानी रहेगी ही, बट उनको लगता है कि किसी मतदान केंद्र के संदर्भ में कोई दिक्कतें हों तो वो फ़ोन कर सकते हैं और मेरे पास मतदान केंद्रों से फ़ोन आते भी हैं। मेरे मोबाइल पे तो कम से कम आते हैं कभी कभार सीधे मतदान केंद्रों से। और बाकी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उस दिन खंड स्तर पे और जिला स्तर पे भी टीमें मूवमेंट पे रहेंगी, चाहे RO का हो या थाने स्तर पे QRT व्हीकल हो, सेक्टर ऑफिसर्स हो और जिला स्तर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सभी मूवमेंट पे रहेंगे। कंट्रोल रूम हमारा जिले स्तर पे भी है और सभी RO स्तर पे भी है, तो वहाँ का जो नंबर है 1950 जो भारत निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर है, और जिले स्तर पे हमने एक और लैंडलाइन नंबर को लेकर सर्कुलेट किया हुआ है, इस पे भी वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और प्रत्येक कॉल को यहाँ पे रिसीव करके रजिस्टर पे नोट किया जाता है क्या उन्होंने शिकायत किया है या क्या सूचना उन्होंने दी है, उसके आधार पे फिर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, संबंधित अधिकारी करते हैं। तो इस प्रकार से सूचना देने के और सूचना प्राप्त करने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन से सूचना तत्काल पहुंचे और उसके आधार पर कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग और अलर्ट रहेंगे, सभी टीम को भी अलर्ट करके रखेंगे। सर, क्या मतदान केंद्रों में जो पर्चियां बांटी जा रही हैं, अक्सर देखा जाता है अभी तक जो सीधे में चुनाव होते हैं और मतदान के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो वोटर ID या पहचान पत्रों के बगैर उन पर्चियों के आधार पर जो है मतदाता को प्रवेश देते हैं और फिर वोट दिलवा देते हैं, उसके लिए क्या कुछ इस बार निर्देश और दिशा जारी की गई? हम लगातार IC एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बता रहे हैं, अभ्यर्थियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को, अभ्यर्थियों को भी यह बता रहे हैं कि केवल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है, मतदाता पर्ची, ये पर्याप्त नहीं होगा। ये भारत निर्वाचन आयोग के ही निर्देश हैं। और बहुत बार ये होता है कि लोग मतदान के लिए आ जाते हैं केंद्र पे, फिर अगर उनके पास पहचान पत्र नहीं रहता है तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा आग्रह वगैरह करने लगते हैं कि घर दूर है, फिर से कब जाएंगे, हम तो यही हैं, सब पहचान करते हैं। उसमें किसी केंद्र पे पूर्व में कभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई होगी, बट इस बार हम प्रशिक्षण में भी सभी पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की यही मंशा है और उसके विपरीत अगर जाके कहीं पे काम करता हुआ पाया जाने पे फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर, अब एक आखिरी सवाल कि मतदान केंद्र के इर्द गिर्द 100 मीटर का जो एरिया निर्धारित होता है, उस एरिए पर हम कई बार देखा गया है कि अतिक्रमण करने का प्रभावशील व्यक्तियों के द्वारा प्रवेश किया जाता है, जिससे मतदान की जो निष्पक्ष मतदान है उस पर अवरोध उत्पन्न होता है। तो क्या है कानूनी प्रक्रिया और क्या कुछ कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी जो मतदान को में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करें? देखिए, 100 मीटर तक भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक उपस्थिति वहाँ पे नहीं होगी। अभ्यर्थी आ सकते हैं, देख सकते हैं, बट वहाँ पे कैंप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे खड़े होकर कैनवासिंग नहीं कर सकते हैं कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो। हम तो अभी सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों से और उनके अधिकृत जो
प्रतिनिधि हैं उनके साथ जब भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण सत्र हुआ है तो हम तो आग्रह करेंगे और एक बार पुनः आग्रह करेंगे व्यक्तिगत रूप से सभी अभ्यर्थियों से कि वो जब भी वहाँ पे अपने वोटर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कभी कभी स्लिप बांटते हैं वो, अगर ऐसा कोई कैंप बनाते भी हैं तो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसको पालन करते हुए बनाएं और साथ में ये करें कि उसके कारण मतदाता अनावश्यक रूप से भयभीत ना हो, प्रभावित ना हो, इस प्रकार का माहौल वहाँ पे क्रिएट करें। अगर इसका कभी भी किसी भी खंड स्तरीय अधिकारी को या जिला स्तरीय अधिकारी को या किसी सामान्य नागरिक को ऐसा प्रतीत होता है और ये सूचना हमें प्राप्त होगी तो फिर हम उसमें विधिसंगत कार्रवाई भी करेंगे और वहाँ से हटाना तो खैर है ही हमें, वो तो तत्काल हटा दिए जाएंगे, बट अन्य जो उल्लंघन हेतु जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो भी करेंगे। इसमें चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों या कोई भी अभ्यर्थी हों, सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। संवेदनशील अति संवेदनशील क्या मतदान केंद्रों का सीधी में वो किया गया है संख्यात्मक? सभी मतदान केंद्र महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक हमने आकलन किया है सभी जगह पर समान प्रक्रिया के तहत मतदान कराए जाने हैं। निश्चित रूप से कहीं कहीं पे जो पुलिस फोर्स की उपलब्धता होती है उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो आंतरिक जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो पूर्व का आकलन रहता है कि कहाँ पे हिंसा की घटनाएं ज़्यादा होती हैं सामान्य दिनों में भी, उसके आधार पे करते हैं। बट ऐसा कतई नहीं है कि जहाँ पे कोई CFPF डिप्लॉय हो रहे हैं वही महत्वपूर्ण केंद्र हैं, बाकी केंद्र महत्वपूर्ण नहीं हैं। निर्वाचन के लिहाज से प्रत्येक 1207 मतदान केंद्र सीधी जिले के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी पे शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हर संभव उपाय जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और यही आशा है कि इन केंद्रों पर पूरे सामूहिक प्रयास से बेहतर मतदान की प्रक्रिया संपादित होगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं सीधी जिला निर्वाचन अधिकारी जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई ही कि यह निर्वाचन प्रक्रिया का एक बेहतर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न करे खातिर हर संभव प्रयास करब। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला है कि सीधी में निष्पक्ष मतदान हो, कहे कि इधर की सीधी में 17 अभ्यर्थी सीधी विधानसभा में और कुल 4 विधानसभा सीटन में जो है अलग अलग जगह जो है स्थिति है और वह स्थिति का शांतिपूर्ण मतदान में जो है निर्मित करब वह कहो न कहो जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है। तो उनके द्वारा साफ तौर में द्वितू कही दिन गा है कि यदि कोनो गड़बड़ी करत को पावा जाए तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।